नमस्कार, आप सारे विद्यार्थियों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पर। और उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी सकुशल होंगे, मजे में होंगे और नाश्ता वगैरह करके एकदम पूरी एनर्जी के साथ पेन पेपर लेकर के एकदम तैयार होंगे, क्योंकि आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा चैप्टर को शुरू भी करेंगे और आज ही के क्लास में इसको हम एंड भी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपका छोटा टॉपिक है, इसके अंतर्गत जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं बाबू सारा का सारा कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस आपका पूछ चुका है वो सारे प्रश्न का सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा। तो आज का क्लास जो है सो थोड़ा सा लंबा होगा, कहने का मतलब लगभग आपका 1 घंटे 30 मिनट या 1 घंटे 45 मिनट के आसपास में आपका क्लासेज होंगी। तो सारे विद्यार्थी एकदम रेडी हो जाइए पूरे जुनून और जज्बा के साथ। और एक बार सारे विद्यार्थी अपने पूरे ग्रुप व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक सारे पर एक बार दबा करके आप शेयर कर दीजिए, मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। और एक बात भैया और बता दे कि रेलवे एक्सप्रेस 2020 ये जो बैच है कल जो है 14 सितंबर है रात के 9 बजे से इस बैच का शुभारंभ होने वाला है। तो जो विद्यार्थी पूरे कंप्लीट कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का तैयारी एप्लीकेशन पर करना चाहते हैं वो विद्यार्थी के लिए एप्लीकेशन पर एडमिशन स्टार्ट है। तो सारे के सारे भाई मेरे जो लोग इच्छुक हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है मैथ्स में और एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट पाना है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनाना है, सारे क्वेश्चंस को बनाना है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए या इस बैच को आप रिविजन के पर्पज से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 90 दिन लगातार जो है आपका क्लासेज होंगी और 15 दिसंबर से आपको 4 से 5 दिन पहले आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाएगा, चाहे एडवांस का सेक्शन हो, अर्थमेटिक का सेक्शन हो, नंबर सिस्टम का सेक्शन हो, स्टैटिक्स का सेक्शन हो या फिर आपका डीआई का सेक्शन हो, है ना। ये आपका रेलवे का टारगेट बैच है, ठीक है। तो आप सारे विद्यार्थी एक बार आप शेयर कर देंगे। चलिए भाई, नीतीश मिश्रा, अजीत जी, संतोष जी, मिथिलेश कुमार, बिकी ऑफिशियल, आशीष जी, राजू जी, अजीत जी, स्टडी, संदीप सिंह जी, एसकेपी, अमित यादव जी, ये सारे के सारे विद्यार्थी जो है आपका जुड़ चुके हैं। अमित यादव जी बोल रहे हैं, हेलो सर, एप्लीकेशन पर सेट कब ला रहे हैं? देखो भैया, एप्लीकेशन पर टेस्ट का सेट जो है चल रहा है, पहला पैकेज जब खत्म होगा तो दूसरे पैकेज में आप सारे विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे। अब बीच में चल रहा है, अब ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है, अगले सेट में आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अगले पैकेज में। चलो भाई, तो बिना देर किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सारे विद्यार्थी एक बार दबा करके शेयर करिए, ठीक है। चलिए, यदुवंशी विकास राजी, टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो गया सर? एकदम भैया खत्म हो गया, जितना मैंने आपको पढ़ाया है टाइम एंड डिस्टेंस पूरे को रिवाइज करके जाइए, रेलवे का सारा प्रश्न आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार आप शेयर करते चल जाइए और आज जो है पूरे 500 का आंकड़ा पार होना चाहिए, पूरे 500 क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप तैयार हैं? आप सारे विद्यार्थी रेडी हैं? चलो भाई, तो पेन पेपर को खोल लो जल्दी से और यहां पर आते हैं। देखिए तो क्या मस्त दिख रहा है बैकग्राउंड, क्या मस्त दिख रहा है, एक बार बता देंगे सारे विद्यार्थी, ठीक है भाई। कौन सा कलर इस पे जचेगा? चलो, रेड बहुत बढ़िया जच रहा है, रेड बहुत मस्त जच रहा है। चलिए, तो यहां पर आप टॉपिक बना लीजिए सारे विद्यार्थी, नाव और धारा। सारे विद्यार्थी टॉपिक बना लेंगे नाव और धारा। देखिए तो ये कलर जच रहा है इस पे, क्लियर दिख रहा है? वहां से उस पे देखना, यूट्यूब मोबाइल पे। नाव और धारा, यहां पर अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे चला बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। और आज इस बोट एंड स्ट्रीम की ऐसी की तैसी करने वाला हूं मैं, है ना, और साथ साथ आप भी जो है इसको कर सकते हैं। देखो भाई, नाव और धारा यहां पर स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से रेलवे के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस उठाया है,
और छोटा सा टॉपिक है, आज जो है शुरू भी करेंगे और आज इसको कंप्लीट भी हम कर देंगे। तो चलिए सारे लोग पेन पेपर के साथ एकदम रेडी हो जाइए, सारे विद्यार्थी पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए और आज के बाद यहां से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। इतना मैं बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो तैयार है आप लोग? चलिए यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग। देखो भाई, यहां पर सारे विद्यार्थी नोट करिएगा और समझते भी चलिएगा। शांत जल, शांत जल का मतलब क्या हो गया? स्टील वाटर, मतलब जल जो है रुका हुआ है। जैसे तालाब का जल क्या होता है? शांत जल होता है, उसमें बहाव नहीं होता है ना। तो शांत जल में देखो भैया मेरे, शांत जल में नाव की चाल, नाव कहिए या फिर आप कह सकते हैं तैराक कहिए। जैसे तालाब में कोई पर्सन नहा रहा है तो शांत जल में तैराक हो गया वो, है ना, या फिर नाव चल रहा है। तो शांत जल में नाव या तैराक की चाल, ठीक है? इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो भाई मेरे, यहां पर शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्लियर है बात? अब देखो धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम प्रवाह में चल जाते हैं और धारा की स्पीड कितना है? y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? तो नाव की जो अपनी स्पीड है वो x है और धारा की जो स्पीड है वो कितना है? y है। अब देखो यहां पर पहला नंबर सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। अब देखिए धारा में अगर नाव मान लेते हैं धारा के साथ चलेगा, ठीक है, जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, धारा के दिशा में उसको आप अनुकूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई मेरे? अनुकूल, अनुकूल, है ना, धारा के दिशा में, इसका मतलब हो गया अनुकूल। धारा के साथ साथ जो डायरेक्शन होता है उसको आप अनुकूल बोल सकते हैं, है ना। तो धारा के अनुकूल जो नाव की चाल होगी, नोट करेंगे, एकदम बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक से मैं हाई लेवल तक लेकर के चलूंगा, ठीक है। नाव की जो चाल होगी वो क्या होगी आपको यहां पर देखना है। देखिए सबसे पहले थोड़ा समय अंग्रेजी वर्ड भी लिख दे रहा हूं। जैसे देखिए शांत जल में नाव की चाल को आप शॉर्ट में आप ऐसे दिखा सकते हैं वीबी से। वीबी का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट। और धारा को आप लिख सकते हैं शॉर्ट में VS, VS का मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। और धारा के दिशा में नाव की चाल या धारा के अनुकूल नाव की चाल को आप शॉर्ट में जानते हैं क्या बोल सकते हैं? VD बोल सकते हैं। VD का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम। क्या? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल धारा के साथ। तो VD मतलब वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम। अब देखो भाई आप बताओ कि नाव जो है x की स्पीड से चल रही है और धारा जो है उसी डायरेक्शन में आपका y के स्पीड से चल रही है। नाव चल रही है x के स्पीड से और धारा उसी दिशा में चल रही है y के स्पीड से। तो धारा जानते हैं नाव को सपोर्ट कर देगा, धारा नाव को धकेलेगा, मतलब नाव की गति को बढ़ा देगा। धारा अपनी गति जो है नाव को दे देगा, अपनी गति नाव को दे देगा। तो नाव की स्पीड जो धारा के दिशा में होगी, धारा के अनुकूल होगी, वो x प्लस y होगी। दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है, धारा के दिशा में। अब सेकंड नंबर भाई मेरे, सेकंड नंबर सारे के सारे विद्यार्थी देखो भाई, धारा के विपरीत, एक बार आप लोग सारे के सारे शेयर कर दीजिए दबा करके, 500 का आंकड़ा पार होना चाहिए। धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत या अनुकूल है धारा के दिशा में, तो विपरीत दिशा को आप बोल सकते हैं प्रतिकूल। क्या बोल सकते हैं भाई मेरे? प्रतिकूल चाल कितना होगा? और इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं VU, मतलब वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम। क्या होगा भाई मेरे? तो ये आपका हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।
है ना। अब कहेंगे ये कैसे होगा सर, विपरीत दिशा में घट क्यों जाएगा? तो आप बताइए भाई मेरे, अगर नाव उधर जा रही है एक्स के स्पीड से और उधर से धारा आ रही है वाई के स्पीड से, तो धारा क्या करेगी, नाव की गति को कम कर देगी। अरे नाव इधर से एक्स के स्पीड से और धारा इधर से आ रही है वाई के स्पीड से, तो नाव के गति को धारा कम कर देगी, रोकने का प्रयास करेगी, उसके स्पीड को कम कर देगी, और कम करने का अर्थ क्या, एक्स माइनस वाई हो जाना। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि जब धारा के दिशा में नाव चलेगा तो नाव को धारा सपोर्ट करेगा, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा जुट जाता है, और धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, घट जाता है। याद हो गया, याद हो गया भाई मेरे। 348 लोग हैं, जल्दी से आप शेयर करिए और 500 के आंकड़ा को आप पार करिए। और आपसे मैं पूछूंगा कि कल से मैं नया चैप्टर क्या स्टार्ट करूं, आज जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका नाव धारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन क्लियर आपका हो गया, इसके बाद क्या स्टार्ट करें कल से 10 बजे वो मैं आपसे क्लासेज के लास्ट में पूछूंगा, ठीक है। और अपने टेलीग्राम पर आज मैं 3-4 चैप्टर का ऑप्शन दूंगा, और जो आप सारे विद्यार्थी मैक्सिमम संख्या में उसको चुनेंगे वही चैप्टर को मैं कल 10 बजे स्टार्ट करूंगा। कल 10 बजे दिन में नया चैप्टर है आपका, ठीक है, क्या है वो आप बताएंगे, उसी के हिसाब से होगा। चलिए तो एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए और लोग को जोड़िए। राकेश यादव जी बोल रहे सर कहां से लाइव दे रहे हैं? भाई मेरे हम पटना से लाइव हैं, ठीक ना। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और लोग को जल्दी से जोड़िए। और चलिए इसको एक बार हम रिवाइज कर ले रहे हैं, एक बार इसको रिवाइज कर ले रहे हैं, उम्मीद है इस सारे विद्यार्थी को याद हो गया होगा, क्योंकि यही जो है ना इस चैप्टर का यही जड़ है, यही इस चैप्टर का बेसिक है। और ये चीजें अगर माइंड में आपका सेट हो गया तो समझिए आगे का हर चीजें आपके लिए आसान होगा। क्या आसान होगा, फिर से एक बार, शांत जल में स्टील वाटर में नाव या तैराक की चाल को मैंने क्या मान लिया, यहां पर x मान लिया, और नाव की चाल को किससे सूचित करेंगे, vb से, vb वेलोसिटी ऑफ बोट। अब धारा की चाल है ना, शांत जल में ही नहीं लिखा है, शांत जल में सिर्फ ये है, ये धारा की चाल मतलब जब नदी में जब बह रही है पानी, तो धारा की चाल को मैंने y मान लिया, और इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे vs वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, बोट मतलब नाव, तो वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम xy। अब धारा के दिशा में धारा के अनुकूल, इसको आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के अनुकूल, तो अनुकूल जब साथ कहेगा तो ये दोनों को एड कर देंगे एक्स प्लस वाई, और विपरीत को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं, चला विपरीत चाल को बोलते हैं अपस्ट्रीम, प्रतिकूल को क्या बोलते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब विपरीत, और विपरीत में घट जाएगा धारा, अपोजिट में रहेगा, रोकने का प्रयास करेगा, मतलब नाव की गति को कम कर देगा, कितना, जितना उसकी खुद की गति होगी, तो x माइनस वाई हो जाएगा। उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी को यह चीजें याद हो गया होगा। अब देखो भाई मेरे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आप सारे विद्यार्थी उम्मीद है समझे होंगे। जैसे एक छोटा सा यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ऐसे दिया है नाव की चाल, नाव की चाल दिया है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, किसमें, तो आपका दिया है ये शांत जल में दिया हुआ है, शांत जल में नाव की चाल दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दिया है, धारा की जो चाल है वो आपका दिया है कितना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की जो 10 स्पीड है ना वो अपनी बलबूते है, उसमें इंजन लगा हुआ है इसलिए 10 की स्पीड से चल रहा है, और धारा बह रही है कितना से, 7 से। अब ये नाव को इस धारा में हम उतारेंगे, पहला क्वेश्चन, अब इस नाव को इस धारा में उतारेंगे मतलब इस नदी में उतारेंगे, और अगर मान लेते हैं धारा के साथ आप चलते हैं, अगर मान लेते हैं धारा के साथ आप चलते हैं तो जानते हैं उस नाव की स्पीड कितना हो जाएगा, 10 प्लस 7 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है भाई मेरे, किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट? जब धारा के साथ ये नाव को उतारिएगा, जैसे धारा बह रही है और इस नाव को ला दिए इस धारा में, और धारा के दिशा में चलेंगे तो स्पीड जुट के 17 हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी नंबर, अगर धारा के विपरीत अगर उस नाव को चलाइएगा, धारा के विपरीत अगर उस नाव को चलाइएगा तो वैसी स्थिति में 10 माइनस 7 हो जाएगा। और उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ होगा। क्लियर है भाई मेरे, किसी को कोई डाउट, जल्दी से यार आप लोगों को और शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, ठीक है, क्योंकि आज आपका एक क्लास में पूरा एक चैप्टर खत्म होने वाला है।
तो चलिए इसी में किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक सी बातें। धारा के साथ इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अंग्रेज लोग डाउन स्ट्रीम, और इसको क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, डाउन स्ट्रीम धारा के साथ। शॉर्ट में इसको वीडी और इसको लिखेंगे वीयू। यू क्यों, क्योंकि यू फॉर अप और डी फॉर डाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे, थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हैं, थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अभी हम पढ़ा चुके हैं, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है देखो भाई, यहां पर धारा के दिशा में, धारा के दिशा में अगला थ्योरी है, नोट भी करते चलेंगे, समझते भी चलेंगे। धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल, इसको क्या करते हैं भाई मेरे, इसको हम क्या कहते हैं बता देना एक बार जल्दी से। धारा के दिशा में नाव की चाल को क्या बोलते हैं, वीडी। और वीडी बराबर क्या होता है बताइए, x प्लस वाई। अभी निकाले हैं ना जी, वीडी बराबर x प्लस वाई, ये हो गया आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सुनिए यहां पर, अब सुनिए यहां पर, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो विपरीत दिशा में नाव की चाल को क्या बोलते हैं, वी यू अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई, ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, चलो भाई एक बार और ज्यादा से ज्यादा लोग को आप शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, 500 का आंकड़ा जो है पार होना चाहिए। इमामुल हक क्या बोल रहे हैं, आपके क्लास में बहुत मजा आता है। देखो भाई मजा आना चाहिए, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको मजा आएगा, और अगर आपको इंजॉयमेंट चाहिए तो इंजॉयमेंट हमारे क्लास में कम मिलता है, पढ़ाई पे फोकस ज्यादा रहता है। ठीक ना, इंजॉयमेंट करने के लिए तो बहुत सारी चीजें आप कहा इंजॉय करिए, लेकिन पढ़िए। ठीक ना, पढ़ाई अभी जो समय चल रहा है ना ये जरूरी है, अभी 3 महीना इधर बहुत जरूरी है। चलिए चलिए चलिए, धर्मेंद्र जी बोल रहे रूम रेंट के लिए कुछ कीजिए सर, अभी तक आप क्या कर रहे थे धर्मेंद्र जी, फिलहाल रूम रेंट के लिए कुछ कीजिए, फिलहाल आप पढ़िए। ठीक ना, रूम रेंट आपका अपनी इशू है, अब तक यार कब तक आपको कुछ ना कुछ डिसीजन पहले ही ले लेना चाहिए था। ठीक ना, सुनिए बात करिएगा धर्मेंद्र कुमार जी, आप कॉल करिएगा हमसे बात करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई और धारा के दिशा में x प्लस वाई। अब देखो यहां पर क्या करते हैं ना, इसको दो सेक्शन में हम बांट देते हैं, ऐसे ऐसे कर दिए। अब देखो भाई, पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ते हैं, हम कुछ रिजल्ट यहां निकालना चाहते हैं, हम दोनों को जोड़ते हैं। अब बताना भैया मेरे, जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे, जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा। बताना चला, प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा जब जोड़ेंगे, तब समीकरण जोड़ रहे हैं ये दोनों खत्म। अब एक्स एक्स जुटेगा तो कितना हो जाएगा, सर जल्दी बोलना, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताना, वीडी और प्लस में क्या हो जाएगा, वीयू हो जाएगा। क्लियर है, वीडी मतलब समझ रहे ना, धारा के दिशा में नाव की चाल, और वीयू का मतलब विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब यहां से एक्स हमको लिखना है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, तो वीडी प्लस वीयू बाई टू, वीडी प्लस वीयू बाई टू। देखो भाई यहां से हमको एक रिलेशन निकल गया, कोई कहेगा सर एक्स क्या है, तो एक्स आप भूल गए क्या, एक्स आप भूल गए एक्स क्या था, एक्स आप भूल गए क्या था, एक्स था नाव की चाल था, एक्स क्या था नाव की चाल था, एक्स क्या था नाव की चाल था, लेकिन किसमें सर, तो शांत जल में था। ठीक है, ये नाव की चाल किसमें था, तो शांत जल में था। ठीक है, ये नाव की चाल किसमें था, शांत जल में था। तो आपने यहां पर क्या सीखा, आपने यहां पर क्या सीखा कि जब क्वेश्चन में वीडी दिया रहेगा, मतलब धारा के दिशा में चाल, और वीयू दिया रहेगा धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो दोनों को ऐड करके और दो से भाग करिएगा ना, तो आपको नाव की चाल मिलेगा शांत जल में। ठीक है, चला अब सुनिए यहां पर आइए, अब पहला समीकरण में से दूसरे समीकरण को आप घटाइए।
ठीक है, पहला समीकरण में से आप दूसरे समीकरण को क्या करिए, घटाइए। पहला समीकरण में से दूसरे समीकरण को आप क्या करिए, घटाइए। देखो भाई, पहला समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाना है, तो जब x में से x घटेगा तो x क्या होगा, खत्म। अरे x में से x घटेगा तो क्या होगा, देखो माइनस करेंगे तो ये प्लस x माइनस x कट जाएगा, और ये y और माइनस y तो प्लस न हो जाएगा जी, y माइनस माइनस y प्लस बन जाएगा, तो y y जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2y। इधर देखिए घटा रहा है ना पहला में से दूसरा, तो vd माइनस vu हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा vd माइनस vu हो जाएगा। अब बताना चला ये y बराबर क्या हो जाएगा, तो vd माइनस vu अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, vd माइनस vu अपॉन 2 हो जाएगा। कहिएगा कि सर y क्या हो गया, तो y आप भूल गए क्या, y क्या था, धारा की चाल था, y क्या था, धारा की चाल था, y क्या था, धारा की चाल। चलिए एक बार यार सारे लोग दबा करके शेयर करिए, आपके जितने भी ग्रुप हो जिस चीज में आप जुड़े हुए आप शेयर करते रहेंगे, ठीक ना। अब चलिए इसको हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, एक बार इसको रिवाइज कर ले रहे हैं, सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। देखो भाई आप शायद भूल गए ऊपर वाली चीजें, आप शायद ऊपर वाली चीजें भूल गए, हमें अच्छी तरह से लग रहा है बात। x मैंने क्या मान रखा था, इसको आप याद रखिए लास्ट तक, क्लास के अंतिम तक आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। x मैंने क्या मान रखा था, तो नाव की चाल लेकिन शांत जल में। y मैंने क्या माना था, धारा की चाल, तो धारा के दिशा में चाल कहेगा तो दोनों को x y को जोड़ देंगे, और धारा के विपरीत दिशा में कहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब देखो यही चीज का मैंने यहां पर प्रयोग किया है, ठीक है, धारा के दिशा में नाव की चाल को भीडी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम जो x प्लस y होता है, विपरीत में x माइनस y होता है, और एक बार समीकरण को जोड़ दिए, ठीक ना, तो हमको 2x इक्वल टू ये मिला, तो x का मान vd प्लस vu बाई 2। तो आपको यहां पर आज के बाद याद रखना है भाई मेरे, आपको आज के बाद याद रखना है कि जब पहचानिए इसको, इसको आप पहचानिए क्या है ये, इसको पहचानिए, vd क्या है तो धारा के दिशा में नाव की चाल डाउन स्ट्रीम, और vu क्या है तो विपरीत दिशा में नाव की चाल। मतलब किसी प्रश्न में अगर धारा के दिशा में नाव की चाल पता रहे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पता रहे, अगर दोनों को जोड़ के और दो से डिवाइड कर देंगे, जोड़ के दो से भाग कर देंगे, तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, शांत जल में नाव की चाल निकलेगा। और अगर ये दोनों को घटा करके, अगर ये दोनों को घटा करके दो से भाग कर देंगे तो क्या निकलेगा, धारा की चाल। याद हो गया, याद हो गया, देखो मैं बीच में हूं, जोड़ के दो से भाग करेंगे तो नाव की चाल, और घटा के दो से भाग करेंगे तो धारा की चाल। ये दोनों क्या है, तो धारा के दिशा में नाव की चाल, और ये क्या, धारा के विपरीत, अरे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब डाउन 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 डाउन, मतलब धारा के साथ बहते रहना है, ठीक ना। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, अप अप अप, धारा पे चढ़ के, धारा को चीरते हुए, उसको फाड़ते हुए, है ना, अप अप अप, तो विपरीत हो गया, डाउन 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 मतलब साथ हो गया, समझ में आ रहा है कुछ, डाउन 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 साथ, अप अप अप। चलिए तो ये दोनों बातें आप सारे विद्यार्थी को याद हो गया। कहिएगा सर यहां कितना कंसेप्ट आप बताएं, तो कंसेप्ट बताएं चला हम चार गो। पहला कंसेप्ट यहां पर ये है जो एग्जाम में यूज होता है, इसको ए कह दिए, यहां पर जो यूज होता है इसको हम बी कह दिए, ए बी और सी डी, यहां पर दो गो ये है, दो गो यहां पर ये है, यहां पर ये और ये, धारा के दिशा में जोड़ देंगे घटा देंगे, दो कंसेप्ट यहां। तो चार कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और इसके बाद जो है अब हम ये चारों पर पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर से हम नए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आइए आइए सारे विद्यार्थी यहां पर आइए, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा भाई मेरे आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन ये सारे विद्यार्थी के सामने, आज का पहला क्वेश्चन। बताओ यार आंसर सारे लोग बताना यहां पर जल्दी से, 390 जल्दी से 400 का आंकड़ा पार करिए, 500 पूरा होना चाहिए, आप लोग दबा के बस शेयर करते रहिए, ठीक ना। देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप अगर चीज को पसंद करेंगे, आप अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे, तो मैं वादा करता हूं YouTube पर आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें मैं आपको दूंगा, ठीक ना। चलिए संजीव जी, डेली मैथ टेस्ट कब होता है सर? देखो भैया मैथ टेस्ट का क्लास चल रहा है अभी,
पैकेज वन चल रहा है, उसमें 10 सेट जो है खत्म हो चुका है, तो शेष जो सेट बचा हुआ है उसको आप खत्म हो जाने दीजिए। और पैकेज टू जब हम लाएंगे ना, वहां पर आप सारे विद्यार्थी को इंफॉर्मेशन देंगे और उसमें आप सारे विद्यार्थी टेस्ट में जो इच्छुक है वो इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति धारा के दिशा में, आराम से पढ़ना है और जो जो डाटा दिया हुआ उसको समझना है कि क्या है ये 11 किलोमीटर क्या है, आराम से पढ़िए। अभी आराम से पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका फास्टली होगा। ठीक है, चलिए सुनिएगा सुनिएगा। देखो भाई बहुत सारे विद्यार्थी आंसर करें, तो मैं आंसर कमेंट फास्ट करिए आप। ठीक है, चलिए धारा के दिशा में, धारा के दिशा में लीजिए, मतलब क्या हो गया, वी डी वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम 11 है। देखो चला वी डी बराबर कितना है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है। फिर कहता है धारा के विपरीत दिशा में, लो चला विपरीत का मतलब हो गया वी यू अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है सर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है अपस्ट्रीम, है ना, धारा के साथ है और धारा के विपरीत है, वो डाउनस्ट्रीम है अपस्ट्रीम है, ये अनुकूल है धारा के दिशा में। कहीं कहीं लैंग्वेज में ना लिख के लिखेगा अनुकूल, यहां लिखेगा प्रतिकूल, और क्या लिखेगा, अनुप्रवाह, और क्या लिखेगा, उधर्व प्रवाह। अनुकूल अनुप्रवाह, विपरीत प्रतिकूल, उधर्व प्रवाह। तो बोल रहा है सर आराम से देखिए, बोलता है धारा की गति कितना है, धारा की गति कितना है, तो याद है आपने धारा की गति को वाई कहा था, याद है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं वी एस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। और मैंने अभी आपको सिखाया है कि वी एस निकालना हो, वी एस कहने का मतलब आपको अगर धारा की गति निकालना हो, धारा की गति निकालना हो तो क्या होता है, जोड़ के दो से भाग की घटा के दो से भाग, घटा के दो से भाग, धारा की गति निकालना है तो घटा के दो से भाग करते हैं ना, तो 11 माइनस 8 बटा 2, 3 3 में दो से भाग देंगे, 1.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब देखिए ध्यान से पढ़िए क्या यहां पर क्वेश्चंस में कह रहा है, ठीक ना भाई मेरे, सबको क्लियर है? चले यार, बहुत सारे विद्यार्थी सही आंसर कर रहे हैं, सेशन को लाइक भी कर देंगे, सेशन को लाइक भी कर देंगे। देखो एक बंदा डिसलाइक मार के भाग गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लाइक डिसलाइक दोनों होना चाहिए, है ना, आदमी जब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहे तो फिर भगवान का दर्जा मिल जाएगा, है कि नहीं बात। हाँ, तो इंसान में कुछ ना कुछ कमी होता ही है, अच्छी बात है यार, डिसलाइक मारने वाला है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, तूने बहुत बढ़िया किया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भैया क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो, एक हमको बड़ा अजीब लगा, कल जो मैंने क्लासेस जो लिया था शाम में, उसमें एक भी डिसलाइक नहीं है, कोई मार देना यार एकाध बढ़िया रहेगा। सही बता रहा हूं, कल जो मैंने 7 बजे शाम में क्लासेस लिया ना, उसमें एक भी डिसलाइक अभी तक नहीं है, कोई एक जाकर के मार देना। चलिए 397 400 का आंकड़ा पार करिए जल्दी से। चलिए जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे भाई, कल नया चैप्टर 10 बजे स्टार्ट करने वाला है, बहुत बेहतरीन आपको कराएंगे, आप उम्मीद नहीं किए होंगे। रिशु राजी बोल रहा सर इक्वेशन से बनाना हो तो, देखो भैया अभी 3 महीना बचा हुआ है, जितना बेहतरीन आप कंसेप्ट सीख सको सीखिए, बेसिक इक्वेशन से क्यों बनाना है, आपको 10वीं का परीक्षा देना है 9वीं का, अजी बात करते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, कि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर, अब देखिए आप पढ़े हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर, अभी मैंने जो भी बोट स्ट्रीम में बात किया उसमें स्पीड पे बात किया, स्पीड चाल, धारा के दिशा में, धारा के विपरीत, नाव की चाल, धारा की चाल, हम चाल की बात किए, लेकिन यहां पर तो चाल दिया नहीं है, तो क्या दिक्कत है सर, चाल निकालेंगे, हम पढ़े हैं पिछले चैप्टर में कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी समय है तो समझिए चाल है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीड ही दिया रहे, हो सकता है डिस्टेंस और टाइम दे दे, तो उसके हेल्प से आप स्पीड निकालिए। सुनिए सुनिए सुनिए, 2 घंटा में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर तक धारा के विपरीत नाव चलाता, विपरीत विपरीत धारा के विपरीत, पकड़िए क्या लिख रहा है, धारा के विपरीत, विपरीत को हम बोलते हैं वी यू अपस्ट्रीम, इसको नहीं भूलना है, वी यू अपस्ट्रीम और वी डी डाउनस्ट्रीम। अब देखो भाई 7 किलोमीटर 2 घंटा में, है ना, तो कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसका मतलब हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिक्कत है, दूरी समय दिया था, हम चाल निकाल लिए, धारा के विपरीत,
और कहता है 15 किलोमीटर धारा के दिशा में नाव चलाता है, दो घंटा में। इसके लिए भी समय 2 ही घंटा है, तो क्या दिक्कत है, यहां पर भीड़ी लिखेंगे, धारा के दिशा में नाव की चाल को भीड़ी। अब 15 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, तो चाल कितना होगा, दूरी बड़ा समय यानी 7.5। देखो भैया कभी कभी आपको स्पीड निकालना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों निकल गया, भीयू भी पता है और भीड़ी भी पता है, तो हमसे क्या बोल रहा है, धारा की गति बताओ। अभी मैंने सिखाया है कि धारा की गति जब निकालना हो ना तो जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, घटा के धारा का जब निकाल रहे तो घटा के 2 से भाग, तो 7.5 में से 3.5 को घटाएंगे और 2 से भाग कर देंगे। आंसर बोल दो जल्दी से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे 7.5 में 3.5 घटेगा, 4 में से 2 से भाग देंगे 2। देखो भैया ग्रुप डी आपका सिकंदराबाद 2014 में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। कोई डाउट तो नहीं है ना, किसी को कोई डाउट है, चला एक बार बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए शेयर भी करते रहेंगे, और जो लोग नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब, 400 का आंकड़ा पार हो चुका है, 500 का आंकड़ा पार करिए, ठीक ना, 500 का आंकड़ा पार करिए, आपका टारगेट है। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। देखो भाई मैं आपको थ्योरी भी दूंगा, रेलवे के प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन भी आपके सामने रखूंगा, और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। मतलब ये क्लास में आप थ्योरी भी सीख लेंगे, कंसेप्ट भी जान जाएंगे, और आपका अभ्यास भी हो जाएगा। बस दोबारा क्या करना, आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर देना है, अब बाकी एकदम सेट एक रोज लगाते रहिए, है ना, सेट आप रोज लगाते रहिए, आप में बहुत बड़ा चेंजिंग दिखेगा। चलो भाई आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कहता है, एक नाव, डाटा जरूर पढ़िएगा, क्या कहता है, कहता है एक नाव शांत जल में, देखो भैया फोकस करना, शांत जल में लीजिए, शांत जल सबसे पहला नंबर जो कंसेप्ट बताया वो है, धारा के दिशा में भी नहीं है ना, धारा के विपरीत दिशा में, शांत जल में, जब जल स्थिर है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब समझते हैं ये क्या है, ये आपका है वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट, ना इसको हम वीडी लिख सकते हैं डाउन स्ट्रीम, और ना इसको अप स्ट्रीम लिख सकते हैं, क्योंकि शांत जल में बोल रहा है, ये सब पॉइंट को याद रखना है। ये समझ गए ना, एक चाल को आप पकड़ना सीख गए कि शांत जल में है कि धारा के दिशा में है कि धारा के विपरीत है, तो समझिए इसका काफी कंसेप्ट आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो वीबी इक्वल टू दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में, देखो भैया अब क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा में, कुछ याद आ रहा है, विपरीत दिशा में, डाउन स्ट्रीम, डाउन 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 कि अप 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 अप, मतलब चढ़ के धारा को चिड़ते हुए फाड़ते हुए, विपरीत का मतलब हो गया अपस्ट्रीम, और क्या बोल रहा है कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को बोलेंगे भीयू, अब अपस्ट्रीम का मतलब हो गया चाल, हो गया वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम, लेकिन चाल तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, कह रहा 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, तो दूरी और समय दे दिया तो चाल निकाल लेंगे, अरे दूरी दे दिया 20 किलोमीटर बोल रहा है 4 घंटा में तय करता है, तो क्या दिक्कत है, चाल निकल नहीं जाएगा, दूरी बटा समय कितना हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है, ये हो गया अपस्ट्रीम, और ये है वीबी। अब क्या बोलता है कि धारा की चाल बताओ। अब एक बार सारे विद्यार्थी आप सब लोग आंसर बताइए जल्दी से, चलिए आंसर बताइए, बी बता रहे हैं मैक्सिमम विद्यार्थी, आंसर जो है वो बी बता रहे हैं, मैक्सिमम विद्यार्थी आंसर बी बता रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूं क्या आंसर आएगा, ठीक है, मैक्सिमम विद्यार्थी जो है आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, है ना, मैक्सिमम विद्यार्थी यहां पर आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा, सारे विद्यार्थी बताएंगे, बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। चलो भाई अब यहां पर सोचिए जरा, धारा की चाल का मतलब आपसे क्या पूछता है, वी एस, वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रीम पूछता है, ठीक है, तो एक तो यहां पर हम मौखिके सोच लेंगे, मौखिक ही सोच लेंगे, क्या सोचेंगे कि नाव की चाल कितना है आपका 20 है, नाव की चाल कितना है 20 है, नाव चल रही है 20 के स्पीड से और उधर से धारा आ रही है, तो जानते हैं नाव का स्पीड कितना हो गया, 5 हो गया, विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो गया 5, नाव की चाल था 20, अपनी चाल 20 था, लेकिन जब धारा उधर से आई ना तो उसकी चाल मात्र नाव का घट के 5 हो गया, इसका मतलब इसका धारा की चाल कितना था आपका 15 था,
15 से उधर आया, इधर से इसका 20 था, तो 15 कम कर दिया तो 5 आपका हो गया। ये ऐसे भी आपको क्या पता है, आपको क्या पता है कि भी यू अपस्ट्रीम धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होता है, सॉरी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होता है, तो भी बी और माइनस क्या होता है, भी एस होता है। भूल गए क्या? अरे इसी को ना हम लिखे थे एक्स माइनस वाई। भीयू मतलब धारा के विपरीत दिशा में मैंने चाल क्या बताया था, एक्स माइनस वाई घटा के लिखते हैं। अब आप बताओ ना भीयू का मान कितना है, भीयू का मान कितना है, 5। तो 5 बराबर और नाव की चाल कितना है आपका, 20 है, 20 है, और माइनस क्या हो जाएगा, वी एस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। अब वी एस इधर आ जाएगा, 5 जाके घट जाएगा, तो वी एस बराबर कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर आइटम सर एकदम सही जवाब है जो लोग भी बताए। अरे सिंपल सी बात है यार, नाव मान लेते हैं उधर से आ रहा है 20 की स्पीड से एकदम, और इधर से धारा जा रही है कितना, 15 की स्पीड से, तो नाव का स्पीड कितना हो जाएगा, क्या 20 रहेगा, 15 इसको अपोच किया जी, 20 माइनस 15 डेडी 5 हो गया, तो विपरीत दिशा में 5 दिया है और इसका 20 है, शांत जल में 20 है और विपरीत दिशा में 5 हो गया, इसका मतलब 15 से धारा जा रही थी जो इसको 15 कम करके 5 कर दिया। तो फिर मतलब आप लोग को शायद ध्यान यही जा रहा होगा कि जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए घटा के दूसरे भाग, गलत बात है, लैंग्वेज को समझिए क्या कह रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को समझो भाई मेरे, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को जिस दिन आप समझ गए उस दिन मैथमेटिक्स आपका गुलाम होगा, ये मेरा वादा है, यही होता है। हम लोग को भी क्या होता है, हम लोग भी क्या है, कॉन्सेप्ट तो मोटा मोटी सबके पास होता है, लेकिन हम लोग क्या ना कि भाषा के प्रत्येक कह सकते हैं टर्म को, प्रत्येक वर्ड तक हम लोग तह तह तक पहुंचे हुए रहते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या होता है। इसीलिए हम लोग की एक्यूरेसी 100% होती है, 100 नहीं, 99.999, अगर गड़बड़ाता है तो मिस्टेक, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक से गड़बड़ाता है। तो इसलिए एक्यूरेसी जो होता है तभी आपका 100% होगा जब हर चीज को आप एकदम आराम से बारीकी से पहले सीखेंगे। जैसे इस प्रश्न में सोचिए क्या दिया है, तो एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में, लीजिए विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलेंगे वीयू अपस्ट्रीम, है ना, वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे स्थिर जल में, देखो भाई ये नहीं बोल रहा धारा के दिशा में, नहीं बोल रहा है, ध्यान दीजिए धारा के दिशा में नहीं बोल रहा है, कह रहा है स्थिर जल में मतलब शांत जल में नाव की गति कितना है, 55 है। तो शांत जल में नाव की गति को, शांत जल में नाव की गति को याद है ना वीबी हम कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये कितना है आपका 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन जो है ना इसके पहले वाला टाइप ही है। अब आपसे क्या बोलता है, नाव की गति बताइए नदी के धारा की दिशा में, धारा के दिशा में नाव की चाल बताइए, तो धारा के दिशा में नाव की चाल को क्या बोलते हैं, वीडी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो एक बार बता देना सारे विद्यार्थी आंसर। अब की बार रेलवे पार, गुरु जी एकदम भाई मैं आपके साथ हूं, आप लोग शेयर करिए और मजे मजे में खूब पढ़िए, ठीक ना। बिक्की ऑफिशियल जी बोल रहे सर कर परसेंटेज पढ़ा दीजिएगा। देखो भाई अभी हम अभी क्लासेज के जस्ट बाद एक पोल क्रिएट करेंगे हम टेलीग्राम पर, 3-4 आपको हम टॉपिक का नाम देंगे, आप सारे विद्यार्थी में जिसका कह सकते हैं कमेंट ज्यादा होगा, जो मतलब ज्यादा चैप्टर को चूज करेंगे वही चैप्टर को मैं कल 10 बजे स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा 10 बजे, ठीक ना। आप पूरे दोस्तों के साथ कल 10 बजे रहिएगा, नए चैप्टर की मैं शुरुआत करूंगा कल, ठीक है। चलो भाई, राजा शर्मा बोल रहे सर आप कहां से हो, देखो भैया मैं तो बिहार पटना से हूं, और आप लोग आंसर बता दीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी बता रहे हैं बी 70 पे, बहुत सारे लोग का आंसर जा रहा है, मेहनत करना भाई सारे लोगों का आंसर आएगा, है ना। कहते हैं ना हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कहने का अर्थ ये है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, मैं इस क्वेश्चन में हार गया, लेकिन हौसले को कह सकते हैं रुकने नहीं देना है, हार जा जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखें। इस उम्मीद के साथ हम मेहनत करेंगे कि अगला प्रश्न का मेरा आंसर सही आएगा, ठीक ना। आइए आइए आइए, अब देखिए अब यहां पर प्रश्न को हम समझाते हैं। तो यहां पर देखिए भी यू, ठीक है, 40 है विपरीत दिशा में नाव की चाल, और
नाव की चाल दिया है 55 और धारा के दिशा में हमसे पूछ रहा है, तो क्या आप भूल गए हैं? देखिए, भीवी मतलब नाव की चाल, तो मैंने आपको अभी तो पढ़ाया है कि नाव की चाल जब निकालना रहेगा तो क्या होता है, वीडी प्लस वीयू बाई 2 होता है। आप शायद भूल गए, मेरा नजर इस पे पड़ा कि सर ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो हम सोचे अरे इसको क्यों ना लगा दे। नाव की चाल कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करते हैं। अब बताओ भीबी कितना दिया है, 55 दिया है, कितना दिया है, 55 दिया है, देखो भाई। और भीडी का मान कितना है निकालना है, कोई बात नहीं भीडी को मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। और वीयू कितना दिया है आपका, 40 दिया है, कितना दिया है 40, और बटा में कितना हो जाएगा 2। अब देखो भाई मौखिक कर लीजिए कि 2 जाके 55 में गुना हुआ 110 और 40 जाके घट गया, तो वीडी बराबर कितना, 70 इज द राइट आंसर, 70 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बार और सर जी, ये आपको नहीं याद है, नाव की चाल बराबर दोनों को जोड़ते हैं धारा के दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। अभी तो मैंने प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, क्लास की एकदम शुरुआत से आप रही है ना, शुरू में मैंने प्रूफ किया है। अब बैठा दीजिए मान वीवी बराबर 55 और ये कितना 40 और भीडी निकालना है, तो 55 दुना 110 में 40 घटा दिए 70 आपका हो गया, 70 हो गया। या ऐसे भी आप सोचिए ना, ऐसे सोचिए कि नाव की चाल तो 55 था सांद जल में, लेकिन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में घट के कितना हो गया 40, इसका मतलब जानते हैं धारा कितना घटा दिया, 15 घटा दिया है। इसका मतलब धारा की चाल कितना था, 15 था। अब हमसे बोलता है भीड़ी धारा के दिशा में नाव की चाल, तो धारा के दिशा में दोनों जुट जाता है, यानी 55 प्लस 15 कितना, 70 आपका हो जाएगा। ये समझने का खेल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सारे विद्यार्थी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शायरी मस्त है सर, अच्छा 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 चलिए आप लोग शेयर करते रहिए और क्वेश्चंस बनाते भी रहिए, मजा आएगा है ना। चलिए पढ़ते हैं। देखो भाई, ये रेलवे एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016 में आपका फर्स्ट पाली में पूछा और ग्रुप डी 2013 में पूछा। स्थिर जल में, स्थिर जल में कौमा लगा दिया, शांत जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब स्थिर जल में बोल रहा है नाव की गति, इसका मतलब समझिए वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट, वीबी शांत जल में, ठीक ना। इसको कुछ लोग एक्स भी मानते हैं, वाई मानते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मैं एक्स ना मान करके वीबी मान लिया, ठीक है। वीबी में एकदम क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ बोट। अब देखो भाई, यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी, अब यहां पकड़ना करें धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा को हम क्या बोलते हैं, वीयू, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम ना। अब क्या बोल रहा है, 19 किलोमीटर 2 घंटा में, अरे तो दूरी बटा समय कर दिए चाल, और चाल कितना हो गया 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलता है धारा की चाल बताओ, किसका, धारा की चाल, धारा की चाल मतलब वीएस, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो आप हमको बताइए आपने क्या पढ़ा है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक्स में से वाई को घटा देते हैं, याद है ना, भूल गए आप। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालना हो तो क्या करते हैं, घटा देते हैं एक्स माइनस वाई। x क्या है, शांत जल में नाव की चाल, y क्या है, धारा की चाल। चलिए बैठा दीजिए, वीयू का मान कितना है, 9.5 है, और x क्या है, नाव की चाल जो कितना है, 11 है, और माइनस y, y धारा की चाल, इसको आप y कह सकते हैं, नहीं तो vs भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, y इधर आ गया प्लस में और 9.5 जब जाके उधर घट जाएगा तो 1.5 आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत सारे विद्यार्थी राइट आंसर कर रहे हैं। देखो भाई, कमेंट लिख के जरूर बता दीजिए, किसी को कोई डाउट रहेगा तो, किसी को कोई डाउट रहेगा तो कमेंट लिख के आप हमको जरूर बताइए, क्योंकि हम ये चाहते हैं, मेरा ये मानना है, हम आराम से पढ़ाते हैं, मतलब कितना भी विद्यार्थी कमजोर रहेगा वो विद्यार्थी भी चीज को समझ पाएगा, ये मेरी प्रयास रहती है। अरे तेजकन विद्यार्थी को तो हर कोई पढ़ा देता है, लेकिन मर्दानगी वो है जो कमजोर विद्यार्थी को भी बढ़िया कर दे, और वो मेरी प्रयास रहती है। तो आपको अगर दिक्कत होगा तो आप हमको बता दीजिएगा, फिर से हम चीज को री कर देंगे, या अदरवाइज आप वीडियो को बाद में री करके दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक ना। यही तो प्लस पॉइंट है ऑनलाइन में, घटना चक्र कीजिए, सीतामढ़ी से नरेश जी। अरे भाई, घटना चक्र का ही टोटल क्वेश्चन आज मैंने ले रखा है, आप क्लास करने के बाद घटना चक्र बनाइएगा, टोटल प्रश्न आपसे बनेगा, मैं पूरा का पूरा ले रखा हूं आपका, लेकिन सबको मैं जहां तहां लिया हूं,
अब घटना चक्र में सारा टाइप जो है जहां तहां है, कहीं कुछ है, ये टाइप पीछे भी क्वेश्चन है, बीच में भी है, तो सबको मैंने इकट्ठा कर दिया है। अभी सिर्फ मिलेगा यही टाइप का, फिर अगला टाइप का थ्योरी देंगे तो फिर आपको मिलेगा। इस तरह से मैंने सेट किया है, बस आप लोग अपनी एनर्जी जो है बरकरार रखिए। मेरा भी नाम ले लीजिए, कौन बोल रहे हैं भाई, कमेंट ऊपर चला गया, सुमन कुमार यादव जी। चलिए समझ रहे हैं, अच्छी बात है यार, किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, हमें भी खुशी होता है कि मैं समझा पा रहा हूं। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, आप सारे विद्यार्थी इसका एक बार आंसर कर देंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, और देखिए ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा अलग से डाल दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 इसको मैंने अलग से डाल दिया है। और ये देख लीजिए बिहार पुलिस 2020 में, है ना, इसी साल आपका जनवरी फरवरी महीने में जो हुआ था उसी का क्वेश्चन है। आंसर बता दीजिए जल्दी से, है ना, वही कंसेप्ट वही लगे। क्या कर रहा है, एक नाव स्थिर जल में जल की जो गति, स्थिर जल में गति जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसका गति है भाई, नाव की गति स्थिर जल में। तो स्थिर जल में चाल कोण क्या बोले, वीवी वेलोसिटी ऑफ बोट, और वो कितना है आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बोलता है, धारा की गति जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा को आप वीएस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, और कितना है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब कहता है 15 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में, क्या बोल रहा है भाई मेरे, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले तो यहां पर विपरीत दिशा का आप चाल निकालिए, मतलब वीयू अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में इस नाव की चाल कितना होगा। तो याद है ना, जब नाव की चाल 22 और धारा की चाल 4, नाव चल रहा है 22 के स्पीड से और धारा उधर से आ रहा है 4 के स्पीड से, तो स्पीड घट जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अरे आपको याद है ना, विपरीत दिशा में चाल घट जाता है, यानी 22 माइनस 4 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब सोचो चला 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्पीड से विपरीत दिशा में चल रहा है, कै मिनट चलना है 15 मिनट, करे कितना दूरी तय करेगा, है ना। तो सोचिए एक घंटा में कितना 18 किलोमीटर, मौखिक सोच लीजिए, एक घंटा में कितना 18 किलोमीटर, तो कर 15 मिनट में, आपको पता है 15 मिनट को 60 मिनट का एक चौथाई होता है, तो 15 मिनट का मतलब एक चौथाई घंटा है, तो आप कर दो 18 किलोमीटर का एक चौथाई, तो 18 का आधा 9, अब फिर आधा कर दीजिए 4.5, 4.5 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो फिर क्या करिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत, और समय है 15 मिनट, मिनट को घंटा बदल लीजिए 60 से भाग देंगे, 15 चौके 60 और 4 से 18 में भाग दीजिए 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी बात है यार, बहुत सारे विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर लिए, और ये आपका पहला टाइप था, ठीक है, पहला टाइप था क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग किए, पहला टाइप था, और इसको कुल मिलाकर के इसमें मैंने आपको 4 कंसेप्ट दिया है। अभी तक मैंने कुल मिलाकर के आपको 4 कंसेप्ट दिया है। देखो भाई 10 सेकंड में फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पहला कंसेप्ट क्या था, तो मैंने आपको कहा था कि शांत जल में नाव की चाल अगर भीबी है, और फिर कहा था शांत जल में नाव की चाल अगर वीबी है और धारा की चाल अगर वीएस है, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको कहा था पहली नंबर बात में, पहला नंबर में, कि धारा के दिशा में नाव की चाल वीडी जब लिखना रहे तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यही ना सिखाए थे जी। और मान लेते हैं कि वी यू लिखना रहे अपस्ट्रीम, तो क्या करते हैं हम, घटा देते हैं। अरे वहां पर एक सवाई लिखे थे, यहां पर वीवी वीएस लिख दिए, उससे क्या दिक्कत है। फिर इसके बाद याद है मैंने इसको पहला समीकरण माना था और इसी को दूसरा समीकरण मान लीजिए, दो चीज बता दिए, फिर उसके बाद इसको पहला मान लिए, दूसरा मान लिए, फिर एक बार समीकरण को हम क्या किए थे, जोड़े थे, आपको अच्छी तरह से याद होगा, तो हमको वीडी बराबर क्या मिला था, वीवी बराबर क्या मिला था वीडी प्लस वीयू बाई 2, और फिर जब पहला में से दूसरा को घटाए थे तो हमको वीएस इक्वल टू क्या मिला था, वीडी माइनस वीयू बाई 2। मतलब धारा की चाल निकालना हो तो घटा के दूसरे भाग, और नाव की चाल निकालना हो तो जोड़ के दूसरे भाग। तो ये 2 और 2, 4 कंसेप्ट मैं अभी तक आपको दे चुका हूं। तो चलिए अब हम टाइप को आगे बढ़ाते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप, सारे विद्यार्थी नोट कर लेंगे, नेक्स्ट टाइप आप लोग यार शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी सेशन खत्म नहीं हो रहा, अभी तो बस शुरुआत हुआ है, ठीक ना।
अच्छा अच्छा दिनेश कुमार जी बोल रहे कभी धारा की चाल वीडी माइनस वीयू बाई टू और कभी एक्स माइनस वाई। देखो यार एक्स माइनस वाई वो दोनों अलग अलग चीजें था। एक्स माइनस वाई जो हम लिखे ये आपका क्या था, ये धारा की चाल थोड़े है, ये है धारा के विपरीत दिशा में, ये है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। आप शायद पेन पेपर के साथ आप नोट नहीं कर रहे हैं दिनेश जी, गलत बात है यार, आप कॉपी पे नोट नहीं कर रहे हैं, कॉपी में नोट कर रहे हैं तुरंत पलट के देखिए। ये x माइनस वाई मैंने क्या बताया, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल मैंने बताया है, ठीक है, और फिर मैंने आपको धारा की चाल बताया है vd माइनस vu बाई टू। क्या ये दोनों में आपको फर्क नहीं दिख रहा है, यह नाव की चाल विपरीत दिशा में और यह धारा की चाल है। आप कॉपी पे नोट करिए, सबसे पहली गलती आप यहां पे कर रहे हैं और कमेंट करते हैं। चलिए सुनिए तो अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान सुनिएगा और शेयर करते रहेंगे। चलिए भाई आ जाइए। हाँ देखिए मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस, ये पॉइंट पहला पॉइंट है और ये आपका क्या है दूसरा पॉइंट है, ठीक है, और ये चीजें जो है एकदम नदी में है, ये चीजें जो है एकदम नदी में आपका है ना, नदी में आपका है। अब देखो भाई यहां पर कह सकते एक आदमी ए है, जगह ए है और ये दूसरा जगह कौन है बी है, ठीक है। अब देखो धारा जो है ना, धारा जो है इस डायरेक्शन में बह रही है, उस डायरेक्शन में बह रही है। अब एक बात यहां पर समझिए कि यहां पर एक तैराक है जिसकी स्पीड कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्लियर है बात। एक तैराक है जिसकी स्पीड कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो धारा आपको बह रही है ना वो धारा की स्पीड कितना है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे समझ जाइए कि जो तैराक है जो नदी में तैरने वाला है उसकी स्पीड अपनी स्पीड एक्स है और धारा बह रही है वाई के स्पीड से, और मान लिए कि दूरी यहां से यहां के बीच का कितना है डी है, यहां से यहां के बीच की दूरी को हम क्या मान लिए डी। अब सोचिएगा सर डी दूरी जो है, डी डिस्टेंस मतलब ए से बी तक है, हमें जाना है इस तैराक को जाना है। अब बताओ तैराक तो बिंदु ए पर है, इसको जाना है कहां बी पर, तो इसकी स्पीड कितना एक्स है और धारा के साथ, देखो धारा उधर बह रही है और इसको भी उधर जाना है, तो धारा के साथ जब ये आदमी जाएगा तो क्या इस आदमी का स्पीड सिर्फ एक्स रहेगा कि वाई जुट भी जाएगा, जुट जाएगा। जब धारा के दिशा में जाएगा तो धारा इसको धकेलेगा, धारा उसको सपोर्ट करेगा, मतलब इस आदमी का स्पीड सिर्फ एक्स नहीं रह जाएगा, धारा के दिशा में चाल जुट जाता है, मतलब एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यानी जाते वक्त जो उसकी स्पीड है वो हो जाएगा x प्लस वाई। ये d डिस्टेंस जो है x प्लस वाई से तय करेगा, और जब वहां पहुंच गया तो फिर वापस लौटता है, तो वापस लौटते वक्त भी दूरी कितना तय करेगा, d ही तय करेगा, वापस लौटते वक्त भी दूरी d ही तय करेगा। लेकिन अब बताइए, अब ये आदमी जो है अब जो है सो उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, तो आदमी तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, कभी धारा के दिशा में कभी विपरीत, लेकिन ऐसा थोड़े है कि धारा आपका अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, ऐसा थोड़े होता है कि धारा आदमी पहचानता है, अरे ये मोदी जी हैं, धारा अपने रुख को चेंज कर लो, ऐसा तो नहीं होता है। तो कहने का मतलब धारा का डायरेक्शन एकदम फिक्स है, आदमी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो देखो भाई अगर ये आदमी अब इधर आना चाहेगा, धारा के विपरीत दिशा में जब जाएगा तो इसकी स्पीड कितना है एक्स है, अपनी स्पीड एक्स है, और वाई जो है अपोज करेगा, तो अब स्पीड आदमी का घट जाएगा, इधर धकेल रहा था इसलिए बढ़ गया था, यहां अपोज कर रहा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, विपरीत दिशा में चाल घट जाता है। तो अब जो डी किलोमीटर वापस लौटेगा ना, डी किलोमीटर जब वापस लौटेगा तो स्पीड हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो सीखिएगा जब धारा के दिशा में जाएगा तो धारा की चाल और आदमी की चाल को जोड़ देंगे, अब विपरीत में क्या करेंगे घटा देंगे, तो डी दूरी बटा चाल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, और डी दूरी बटा चाल आने में लगा समय, दोनों को जोड़ दिए तो ये आपका क्या हो गया कुल समय हो गया, कुल समय हो गया आने और जाने का। तो देखिए बस मैं आपको प्रोसेस यहां पर सिखा रहा हूं, आप इतना बस माइंड में रखिए, ये स्टेप है, करने का स्टेप है ना, इस तरह के प्रश्न को आप इस स्टेप से शुरुआत करेंगे और क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए
मोदी जी अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते। अरे भाई, धारा के सामने सबका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्या कुछ दिन पहले धारा के सामने उनका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ? अरे वो एक धारा ही तो था जो हम सारे टीचर्स और आप सारे विद्यार्थी जो है मिलकर के पैदा किए थे। तो क्या मोदी जी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ? 15 दिसंबर खट से डेट आ गया है ना। आइए 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 आइए, अब देखिए ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर सेवन सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, आप सारे विद्यार्थी शेयर करते चलेंगे, सर पीडीएफ क्यों नहीं डाल रहे हैं? पीडीएफ तो डालते हैं जी, पीडीएफ तो हर दिन जाता है टेलीग्राम पे। सुनिए, प्रश्न क्या कहता है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल, देखो भाई नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? तो स्थिर जल में चाल है, और धारा की चाल कितना है आपका? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि VB मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मतलब VS वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बोलेगा धारा के दिशा में चाल तो जोड़ देंगे 12 3 15, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल तो घटा देंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर, देखो भाई 135 किलोमीटर वो विपरीत दिशा में जाता है। अब बताओ धारा के विपरीत जब जाएगा तो उसकी स्पीड कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 12 - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 135 किलोमीटर गया, अब वापस लौटेगा, अब गया है धारा के विपरीत, उसके बाद जब वापस लौटेगा तो धारा के साथ हो जाएगा। तब कहता है कि धारा के साथ वापस लौटता है, तो वापस जब लौटेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगा? जुट जाएगा ना जी, धारा के दिशा में जुटता है, 12 + 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जाने का समय, दूरी बटा चाल, समय जाने का, और ये हो गया दूरी बटा चाल, समय आने का। अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल समय नहीं निकल जाएगा, तो कह रहे पूरी यात्रा को तय करने में लगा कुल समय बताइए। तो जाने और आने का कुल समय दोनों को जोड़ दीजिए। देखो भाई यहां पर एकदम क्लियर है कि 12 में से 3 घटा 9, 9 से कट जाएगा 15 बार में, और 15 से कटेगा कितने बार में? 9 बार में। तो 15 और 9 कितना? 24, और 24 घंटा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। और खास बात तो यह है कि NTPC ये मेंस में पूछा है, मुख्य परीक्षा में पूछा है। ठीक है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है भाई मेरे, मेंस का क्वेश्चन है। और कितना आसानी से आप समझा दिए आपको हम, किसी कोई डाउट है एक बार बता देंगे। किसी को कोई डाउट है एक बार बता देंगे सारे विद्यार्थी? चलो भाई कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अब 8 पर। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितना एग्जाम जो है इस क्वेश्चन को पूछा है ना, एकदम तांता लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम है, कहते हैं एक नाव को, देखो भाई ध्यान दो और शेयर करते रहेंगे आप लोग, सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। दिनेश कुमार जी बोले अंकुश मैथमेटिक्स पटना टेलीग्राम आईडी। हाँ भाई, टेलीग्राम चैनल का नाम अंकुश मैथमेटिक्स ही है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर जाके जुड़ जाइए। कितना घंटा का क्लास सर जी? आज भाई खत्म ये होगा आपका, मतलब 9 बजे मान के चलिए, 9 बजे तक आप मान के चलिए ये सेशन आज कंप्लीट ही होगा, बस आप लोग शेयर करते चलेंगे। ठीक है, चलो भाई एक नाव को अनुकूल धारा में, सारा टाइप में इसका पढ़ाऊंगा, एक नाव को अनुकूल धारा में, अनुकूल धारा का मतलब क्या हो गया? धारा के साथ, अनुकूल बता चुके हैं, डाउन स्ट्रीम, बिंदु ए से बी तक गया, और जब लौटेगा तब प्रतिकूल हो जाएगा, ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटा लगता। लीजिए इस बार टोटल समय दे रखा है 4 घंटा, और पिछले क्वेश्चन में क्या है कि टोटल समय आपको निकालना था जा करके वापस आने में, ठीक ना, 4 घंटा। यदि प्रवाह का वेग 2 है, प्रवाह का मतलब समझ रहे ना, धारा, प्रवाह मतलब धारा, VS इक्वल टू कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। फिर बोलता है ठहरे पानी में नाव की गति, ठहरा पानी मतलब वही शांत जल में नाव की गति 4 है, तो VB वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे बोलता है ए और बी के बीच का दूरी कितना है? तो देखो भाई मान लिए ये